हैं साथी हुआ फिर लेकर आए हम आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। जी हां साथी, बने रही न्यूज के साथ। हम आपको बता देंगे एमपी में शानदार जीत के साथ शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। 16 घंटे काम, एक दिन में 10 से 8 रैलियां निकाल ली। हम आपको बताएं इस बार मध्यप्रदेश में फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया जाएगा। हां साथी, हम आपको बताएं मध्यप्रदेश में घोषित परिणाम के साथ ही मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। और इसमें मध्यप्रदेश में कौन सीएम का फेस हो सकता है, इस बार अभी पैच फंसा हुआ है। हां साथी, इससे पहले आप चैनल पहली बार को लाइक बटन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको बताएं मध्यप्रदेश भाजपा ने था से जीत दर्ज कर ली है। और इसमें भाजपा ने बिना ही सीएम कैंडिडेट घोषित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा था। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के दर्दनाक और धुआंधार प्रयास के साथ ही मध्यप्रदेश में एक बार फिर झनकारदार वोटों की बारिश हुई है। इस बार मध्यप्रदेश में फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी हां साथियों, मैं आपको बता दें अपने लोकप्रियता का लुहा मनवाया जाएगा। इस बार मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हुए नजर आ रहे। शिवराज सिंह चौहान चुनावी कैंपेन को फोकस करते हुए रिपोर्ट जारी कर दी। इस बार मध्यप्रदेश में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। जैन साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।